नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के दमदार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बज चुके हैं शाम के 7:15, सात नहीं बोलेंगे, 7:15, मतलब 7:15, बिल्कुल। और आप सब नाराज भी हो रहे हैं, नाराज होना जायज है, क्योंकि भाई साहब मैं लेट हूँ आपके साथ 15 मिनट, ठीक है, माफी चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे कभी कभी कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो ना चाहते हुए भी पहले उनको निपटाने पड़ते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके सामने आज हैं बहुत ही बेहतरीन जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कई देवता इस दुनिया में हैं, सबके रूप सुहाने हैं, खाटू में जो सजकर बैठे हैं हम बस उनके दीवाने हैं। खाटू में जो सज कर बैठे हैं हम उनके दीवाने हैं। बोलो जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। जिन साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, लूसेंट बैच 2.0, जिसमें सारे पूरे जीएस के सब्जेक्ट हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये जो आपको प्राइस दिख रहा, तो आप यहाँ पे कूपन कोड यूज कर सकते हो RAM20। इसके लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, क्लियर। जो बच्चे मैथ, रीजनिंग, जीएस, सिंधी सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बैच है फाउंडेशन। और फाउंडेशन बैच 2999 का नहीं, RAM20 कूपन कोड आप यूज करोगे तो ये बैच सिर्फ आपको 2400 रुपये का। और 2400 में आप सारे सब्जेक्ट 18 महीने के लिए पढ़ोगे, 1.5 साल तक। रिकॉर्डेड बैच है, लाइव भी है, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारा एप्लीकेशन है। साथियों, अब सबसे बड़ी चीज दिख रही होगी इकोनॉमिक्स। क्या दिख रहा? इकोनॉमिक्स मतलब अपने आप में, ये जो आपको प्राइस दिख रहा, इसमें आपको कूपन कोड यूज कर लेना, अभी 50% डिस्काउंट है। जिसको पूरी इकोनॉमिक्स लूसेंट की पढ़नी हो तो कूपन कोड भी इकोनॉमिक्स लगेगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर, क्लियर है। अब बच्चे मैं आपको बता दूं, जो क्लास है आज की वो बहुत ही ताबड़तोड़ है। सबसे ऊपर आप शब्द एक लगा लो। तुम लोगों ने कहा था कि सर ये क्लास आप शुरू से पढ़ाइएगा तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में चढ़ेगी। तो साथ ही सबसे पहले तो दो शब्द मैं आप लिखे दे रहा हूं जो आप सब शायद आपको पता भी ना हो, शायद आपने कभी सुना भी ना हो, शायद आपने कभी जाना भी ना हो। क्योंकि जितना भी वनडे एग्जाम का बच्चा है, या PCS की तैयारी करने वाला बच्चा है, या किसी भी कंपटीशन लेवल का बच्चा है, अगर दूर भागता है तो सिर्फ और सिर्फ इस एक सब्जेक्ट से कोसों दूर भाग जाता है, फिर उसको आप पकड़ तक का नहीं पा पाओगे, इतनी दूर बच्चा भाग जाएगा। लेकिन मैं आज बता दूं आपको कि इतना आसान सब्जेक्ट बनाने वाला हूं इसको, आप कहोगे सर इससे प्यारा सब्जेक्ट तो भाई साहब हिस्ट्री भी नहीं है, इससे प्यारा सब्जेक्ट तो हिस्ट्री भी नहीं है। तुम जब इसको जानोगे, समझोगे, पढ़ोगे, और रियलिटी बता दूं, कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, कोई भी A to Z, जैसे पेट का दे लो 5 नंबर की इकोनॉमिक्स, RO ARO दे लो, PCS का पेपर दे लो, रेलवे ग्रुप डी दे लो, SSC 10+2, MTS, CGL, GD, जैसे जो एग्जाम दे लो, भाई साहब छप के आ रहे, छप के, ठीक है। केवल जीवन में आज तक का तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, लेकिन आज जब से पढ़ोगे उसके बाद इकोनॉमिक्स से अच्छा सब्जेक्ट आपको कोई लगने वाला ही नहीं है। एक बार बस मेरे बातों को, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, तो एक बार वीडियो को फटाक से क्या कर दो, लाइक कर दो, जितने साथी देख रहे हैं, और लाइक का टारगेट आज कम से कम 2000 होना चाहिए, ठीक है। साथियों, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, आप सब कमेंट करके बताओ क्या मैं ऊपर ऊपर चलूं कि बिल्कुल बेसिक से मैं इसको लेकर चलूं। लूसेंट की अपनी आसान भाषा में अपना एक मेथड है जो समझाने का, जो भाई साहब पढ़ाने का। तो आप सब बेसिक से चाहते हो एक एक बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं चलूं कि भाई साहब वो प्रश्न बताऊं जो पेपर में आते हैं। अब जल्दी बताओ, देखो पेपर में आने वाले प्रश्नों को मैं बताऊंगा तो ऊपर से जाएगा, रट लो लगे, लेकिन दिमाग में छपेगा नहीं। चल
सब बच्चों का कमेंट है कि सर बेसिक से बेसिक से बेसिक से बहुत बढ़िया। तो आप सब भी अपने नोट्स निकाल लो, रख लो भाई साहब, मजा आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से सबसे पहले तो यह जान लो बालक कि आखिरकार जो इको अर्थशास्त्र है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। बहुत माइनर चीजें बताऊंगा और पूरा आज पूरा एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, पूरा भले चाहे दो घंटे क्लास हो, पूरा एक चैप्टर खत्म कर दूंगा तभी जाऊंगा। इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं और इसको इकोनॉमी कहते हैं, फर्क समझना। इकोनॉमिक्स बोलते हैं अर्थशास्त्र को, इकोनॉमी बोलते हैं अर्थव्यवस्था को। एक तो पहला डिफरेंस आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा भाई साहब पॉइंट, दूसरा, हाँ जीरो से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट, आखिरकार इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो एक चीज देखो, ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लाभ हुआ हानि हो, लाभ हुआ हानि हो। अब एक चीज बताओ बच्चे, कौन सी ऐसी गतिविधियां होंगी जिनमें लाभ हो हानि होगी? दो ही चीजें हो सकती, या तो व्यापार या तो सेवा, और इसके अलावा कुछ जीवन में आज तक लाभ हानि वाला भाई साहब चीज हुई नहीं है, इसके अलावा कोई चीज आज तक हो ही नहीं है। ठीक है, तो कहने मतलब ऐसी आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसे से लेन देन गतिविधियां, मतलब हम आए ये पेन खरीदा, पेन बेच दिया, 10 रुपए खरीदा, 12 बेच दिया, 2 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो वो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें लाभ हानि हो इकोनॉमिक्स कहलाती। लेकिन ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लाभ प्रॉफिट एंड लॉस होता हो उसके आगे अगर किसी देश का नाम जुड़ जाए तो वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे इसके आगे आप इंडियन शब्द लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियन इकोनॉमी। मतलब अर्थव्यवस्था हम लोग वहीं पर यूज कर पाएंगे जब किसी देश का नाम या कंपनी का नाम जुड़ा होगा, उसको हम लोग अर्थव्यवस्था कह पाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज पता चल गई। जैसे अब तुम्हारे पेपर में, तुम्हारी कॉपी में ना कभी यह शब्द प्रयोग हुआ है, ना कभी यह प्रयोग हुआ है, जो प्रयोग हुआ है वो ये प्रयोग हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको पढ़ते हो, इसको समझते हो, इसको जानते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्लियर है, बहुत मजे समझना। अब बच्चे लेकिन बात समझना बहुत प्यार से, जो इकोनॉमिक्स है ये किस भाषा का शब्द है, पहला प्रश्न तो याद कर लेना, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा मतलब ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस, एथेंस का मतलब सबसे पहले ओलंपिक गेम्स 1896 में एथेंस, मतलब यूनान में हुए थे। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ फिर बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इकोनॉमिक्स के जो यहां पे जनक माने गए, फादर, जनक, आखिरकार इकोनॉमिक्स दिया किसने? तो बच्चे इकोनॉमिक्स के जो जनक माने गए वो किसे कहा गया? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स के जनक माने गए। कौन माने गए? जनक, पिता। इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, पितामा कौन है, तो आप बता सकते हो, एडम स्मिथ। अब तुमसे बहुत प्यारा सा सवाल आएगा कि आखिरकार एडम स्मिथ किस देश के अर्थशास्त्री थे? तो आप बता सकते हो, एडम स्मिथ बच्चे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। किस देश के अर्थशास्त्री हैं? स्कॉटलैंड के। ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है बच्चे क्या? एडम स्मिथ। क्लियर है, जो अर्थशास्त्र के जनक माने गए। बच्चे अगर तुमसे एक ज्योग्राफी का छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि स्कॉटलैंड की कैपिटल, सीएपी का मतलब कैपिटल, मतलब राजधानी क्या होती है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, स्कॉटलैंड की राजधानी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एडिनबर्ग। क्या बोलते हैं? एडिनबर्ग। क्लियर है बच्चे, मजा आ रहा है, सब समझते चलना बिल्कुल बेसिक से। फिर बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना, एडम स्मिथ की एक बेहतरीन पुस्तक है
जिन्होंने इस इकोनॉमिक्स के बारे में बताया बुक। इस बुक का नाम लिख लेना द वेल्थ ऑफ नेशन। यह पुस्तक है एडम स्मिथ की, जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं। और यह द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक लिखी गई वो कब लिखी गई, 1776 ईस्वी में। इस प्रकार आपको पता चला कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखी गई थी। और 1776 वो वही वर्ष है जिस वर्ष अमेरिका ने अपने आप को आजाद किया था, 4 जुलाई 1776, मतलब अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, यूएसए इंडिपेंडेंस डे, 4 जुलाई 1776। हु इज द डिस्कवर ऑफ द अमेरिका, बच्चे कोलंबस। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज पे बस दुख है हमें, आप सब देखते इतना हो, आप सबको कहते हो सर अच्छा पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, लेकिन क्या लाइक करने में भाई साहब कहीं से रुकावट आ जाती है? अगर एक सेकंड का अपना सब लोग अंगूठा दबा दोगे और राघव सर को थोड़ा सा वायरल कर दोगे, भाई साहब लूसेंट पढ़ा रहे हैं तुमको, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, आप सब थोड़ा सा सपोर्ट किया करो मेरे लाल, इतना मत शर्माया करो। चलो इतनी बात समझना की। अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना, यहीं पर इकोनॉमिक्स की बात आई है। तो एक इकोनॉमिक्स तुमने पढ़ी हुई है, एक अर्थशास्त्र और, लेकिन इस अर्थशास्त्र के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है प्राचीन इतिहास में। और इस अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं उनका नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य। और सबसे बड़ी बात, चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, और उससे भी बड़ी बात बच्चे इनको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इन दोनों अर्थशास्त्रों में क्या डिफरेंस था। तो जो एडम स्मिथ ने लिखी थी वो ये वाली अर्थशास्त्र है जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आर्थिक गतिविधियां जैसे लाभ हानि होता है सब हम पढ़ रहे हैं। बच्चे ये वाली जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी, याद कर लेना, इसका जो संबंध था वो राजनीति से था, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, राजनीति से, शासन के, शासन से रिलेटेड। आप कह सकते हो जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, चाणक्य किसके दरबार में प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम, सबको पता है मौर्य वंश के संस्थापक जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्र मौर्य के दरबार में चाणक्य क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री। इतनी बात तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ गई होगी, होगी। चलो अब एक बार तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट करके बताओ क्या आपको मेरी ये भाषा में इकोनॉमिक्स की शुरुआती चरण समझ में आया है, शुरुआती चरण समझ में आया है। अभी मैं और बताने जा रहा हूं। यही पे एक प्रश्न बनता है कि इकोनॉमिक्स के पिता तो एडम स्मिथ हैं, जबकि इकोनॉमिक्स का नामकरण किसने किया, मतलब आखिर। सिंपल सी बात है, जैसे नामकरण याद कर लेना, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने, ये इसके नामकरण है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, बच्चे जन्म देने वाले पिता माँ होते हैं, लेकिन नामकरण करने वाली कभी मौसी होती हैं, कभी मौसिया होते हैं, कभी बुआ होते हैं, कभी फूफा होते हैं। सेम टू सेम इकोनॉमिक्स का नामकरण अल्फ्रेड मार्शल ने किया, और जो जनक हैं वो एडम स्मिथ साहब हैं। तो एक प्रकार से आपको भाई साहब समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं। चल सर जी, आज मस्त लग रहे हो। हाँ भाई साहब, अच्छा ऐसी बात कर रहे हो। चल रचित पाल सर, आपको फेमस करने के लिए जान लगा देंगे। भाई जान मत लगाओ, बस एक छोटा छोटा लाइक लगा दो, ठीक है, एक छोटा छोटा लाइक लगा दो। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते। चलो आगे बढ़ते हम लोग। फिर इकोनॉमिक्स में आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहां पे लिखते हैं अर्थशास्त्र। फिर बच्चे आप सबको पता है कि एक पुरस्कार सुना है आपने, उसका नाम है नोबेल प्राइज, सुना है? और आपको पता है नोबेल प्राइज टोटल
छह कैटेगरी में दिया जाता है, टोटल छह कैटेगरी में। एक भौतिकी जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स, और एक रसायन जिसको कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री, और एक चिकित्सा जिसको हम लोग कहते हैं मेडिसिन, और एक जिसको हम लोग कहते हैं लिटरेचर मतलब साहित्य, और एक हम लोग कहते हैं पीस जिसको कहते हैं शांति। और ये पांच पुरस्कार जो कैटेगरी के हैं ये शुरू हो गए थे कब, 1901 से स्टार्ट हो गए थे बटना। और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चे, लेकिन परंतु किंतु परंतु अर्थ जो नोबेल प्राइज का छठवीं कैटेगरी थी उसका नाम था इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स जो पुरस्कार बटना शुरू हुआ वो वर्ष हुआ 1969। 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हो गया। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी बहुत अच्छे से, क्या बात आ रही होगी, आखिरकार जब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार बटना शुरू हुआ नोबेल, तो पहला कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नोबेल मिला होगा। क्लियर है? तो यहां पे आप अच्छे से कह सकते हो पहले नोबेल विजेता, पहले नोबेल विजेता। बच्चे पहले नोबेल विजेता किस क्षेत्र में, तो याद कर लेना इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम था रगनार फ्रिस्क। क्या नाम था? रगनार फ्रिस्क। और रगनार फ्रिस्क साहब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और आखिरकार इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला होगा बच्चे, 1969 में इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया होगा। आखिरकार रगनार फ्रिस्क साहब ने ऐसा क्या बेहतरीन काम कर दिया जिसकी वजह से इनको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार पहली बार मिल गया, क्या काम कर दिया आखिरकार। तो पेपर में प्रश्न आता है, रगनार साहब ने कुछ ऐसा काम नहीं किया था, बस छोटा सा काम किया था, इन्होंने शब्द दिए थे, शब्द दिए, शब्द कौन से शब्द दो जो बहुत मैटर कर रहे हैं भाई साहब, उन दो शब्दों के नाम हैं, एक का नाम है माइक्रो और एक का नाम है मैक्रो। तो पेपर में बहुत बेहतरीन प्रश्न आता है, माइक्रो एंड माइक्रो शब्द किसने दिए बच्चे, माइक्रो एंड मैक्रो शब्द किसने दिए, तो आप बता सकते हो दोनों शब्दों को रगनार फ्रिस्क ने दिया था और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी बात, माइक्रो को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और माइक्रो को हम लोग कहते हैं समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र, इसको व्यष्टि इसको समष्टि। क्लियर? उसके बाद समझना, इतनी बात क्लियर बच्चे, व्यष्टि मतलब थोड़ा संक्षेप में, समष्टि मतलब संपूर्ण, संपूर्ण। क्लियर है? फिर बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना, जो माइक्रो वाला है माइक्रो, इसको हम लोग कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत किसे कहते हैं, माइक्रो को कहते हैं, माइक्रो को क्या बोलते हैं, कीमत सिद्धांत। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आय रोजगार सिद्धांत, आय रोजगार सिद्धांत, इसको हम लोग कहते हैं आय रोजगार सिद्धांत। अब बहुत अच्छे से दिमाग फिर से चकरा रहा होगा, और आप सबने एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में, और पीसीएस के पेपर में, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा कि आखिरकार कीमत सिद्धांत के जन, कीमत सिद्धांत किसके द्वारा किया गया फिर बच्चे, और आय रोजगार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, मेरी बात बात ध्यान सुनिएगा, कीमत सिद्धांत के जनक पता किसे कहते हैं, कीमत सिद्धांत के जनक और कोई नहीं, वही एडम स्मिथ साहब हैं। कौन है? एडम स्मिथ साहब। तो एडम स्मिथ साहब कौन है, कीमत सिद्धांत के जनक,
एबी पेपर में। अब अगर एडम स्मिथ की बात आ रही है तो एडम स्मिथ से आपके प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। क्या बच्चे, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। कीमत सिद्धांत के जनक कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में फिर से एक प्रश्न उठा होगा कि आखिरकार आय रोजगार सिद्धांत किसने दिया? तो याद कर लेना, जॉन किनार्ड कीन्स ने। जॉन किनार्ड कीन्स ने, और जॉन किनार्ड कीन्स ने यह सिद्धांत दिया जिसका नाम रखा गया कि आय रोजगार सिद्धांत, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अगर तुमसे कहा जाए माइक्रो के जनक कौन है? एडम स्मिथ। मैक्रो के कौन है? जॉन किनार्ड कीन्स। लेकिन दोनों शब्दों को बताने वाले कौन थे? रगनार फ्रिस्क साहब। रगनार फ्रिस्क साहब। तो उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में इतनी बात बैठ गई होगी, इतनी बात बैठ गई होगी। तो बच्चे आप सब एक बार फटाक से वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आया हो, और अपने साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करो। आप खुद देखो, बिल्कुल डिक्टो ऐसी चीज पढ़ाऊंगा कि मेरे साथ अगर पढ़ाई पूरी कक्षा कर ले गए ना, आज तुमको पता चल जाएगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स यार। चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हम लोग। फिर बच्चे कुछ प्रमुख परिभाषाएं आती है पेपर में, टोटल परिभाषाएं 50-60 हैं, लेकिन या एक कह सकते हो प्रमुख कथन कह सकते हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लेकिन मैं 50-60 आपको कथन पढ़ाने वाला नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ गिनती के 4 कथन या परिभाषाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ जाना तो अच्छी बात, ना समझ पाना उससे भी अच्छी बात। चलो पहली बात, पहला भाई साहब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र धन का, जैसे एक इतिहास में पढ़ते हो करो या मरो, किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। उसी तरह यहां पर भी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मनी। भैया पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आएगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इन्वर्टेड कामा में बंद, कह देगा ये बात किसने कही? 4 अर्थशास्त्री के नाम लिखे रहेंगे भाई साहब, और कुछ नहीं करना। तो याद कर लेना अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात किसने कही? तो याद कर लेना ये बात कही एडम स्मिथ साहब ने। किसने कही? एडम स्मिथ साहब ने। क्लियर हो गई बात? क्लियर। फिर बच्चे बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, दूसरा कथन, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। अब बच्चे दिमाग में फिर एक चक्कर घूम रहा होगा कि उन्होंने कहा था धन का विज्ञान, तो अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान किसने बताया? कल्याण का विज्ञान, तो बच्चे याद कर लेना कल्याण का विज्ञान बताया किसने? तो याद कर लेना अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल साहब जी ने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान बताया। एक चीज और मैं तुमको बता दूं, नोबेल में हमने तुमको विश्व के विजेता तो बता दिए 1969 में, लेकिन अगर कभी तुमसे कह दिया जाए पहले नोबेल विजेता भारती कौन थे, भारती, तो याद कर लेना 1998 में उनको पुरस्कार मिला था और उनका नाम था अमृत सेन। अमृत सेन, अमृत सेन सबसे पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। देखो आज की कक्षा में बहुत कम साथी रुकेंगे, मुझे पता है, क्योंकि सब्जेक्ट को वो लोग हमेशा कठिन मानते, और जब तक कोई चीज के आप शुरुआत नहीं करोगे, आप उस चीज के बारे में घुसोगे नहीं, तब तक वो चीज कठिन कहलाएगी। जैसे अकबर बाबर जब पैदा हुए थे तो तुम्हें मम्मी पापा कहना भी नहीं आता था, लेकिन मम्मी ने बार बार कबुलवाया मम्मी 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 पापा पापा पापा, भाई साहब तब तुम बोलना सीख पाए, तब तुम जान पाए ही सीज मम्मी ही इज पापा। क्लियर है? इसी प्रकार अकबर बाबर पृथ्वीराज चौहान
अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, भाई साहब ये तुम बचपन से मास्टर सिखाता चला आ रहा, कहीं पर स्पीच दी जाए तो भाई साहब सीखता हुआ चला जा रहा बंदा, लेकिन कभी जीवन में इकोनॉमिक्स पे स्पीच नहीं दी गई। इकोनॉमिक्स पे भाई साहब कभी भी ये नहीं कहा गया कि इकोनॉमिक्स की चीजें बताने जा रहा हूं, क्योंकि भाई साहब हर अध्यापक आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्योंकि दिस इज, उसको लगता है कि ये डिसइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई साहब, जिसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। जब इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा तो मैं बच्चों के अंदर अपना विश्वास नहीं जगा पाऊंगा। लेकिन एक असली शिक्षक की पहचान है जो अरुचिकर सब्जेक्ट है बच्चों को वही रुचिकर बना दे, भाई साहब तभी एक शिक्षक की भूमिका को प्रदर्शित करता है, वरना युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाने से काम नहीं चलता है। तो हमारी बात का थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, परेशान मत होइएगा, मेरे साथ पूरी क्लास अटेंड करिएगा, ठीक है? सबको मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सब लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उनको लग रहा इकोनॉमिक्स मेरे औकात से बाहर है। जब लोग जान जाते हैं मेरे औकात से बाहर है तो भाई साहब वो काम करना नहीं पसंद करते। अभी मैं तो उनसे कह दूं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो वो लोग बता देंगे 8। अभी मैं उनसे कह दूं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो उसी पालने में सिर्फ पाले गए हैं, कभी उससे आगे निकल कर उन्होंने अपनी औकात झांकी नहीं, झांकी नहीं, अपने आप को भाई साहब गलत तरीके से आंक रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप सब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाओ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आई विल डू, मैं करूंगा, ठीक है? सबसे पहली बात आप सब ये बना लेना, ठीक है? चलो, तो कहने का मतलब है रोने से काम नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कभी ना कभी इसकी औकात देखनी पड़ेगी। हां, मेरे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स भी है, वाओ, बस इतना काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा कथन, तो दो कथन तो याद हो गए, मेरे साथ याद भी करते चलना। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना, अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है। किसने कहा? लॉर्ड रॉबिन्स ने कहा। क्लियर है? फिर लास्ट का याद कर लेना, अर्थशास्त्र समृद्धि का विज्ञान है। समृद्धि। अब तुम कहोगे समृद्धि सर जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तो याद कर लेना ग्रोथ। किसी भी चीज में अगर ग्रोथ हो रही होती है तो उसको हम लोग समृद्धि बोलते हैं। बच्चे समृद्धि का विज्ञान है, और यह बात किसने कही तो याद कर लेना, यह बात कही पॉल, बहुत अच्छे से याद कर लेना, पॉल सैमुलसन याद कर लेना। बट मेरे कहने से टोटल ये 50-60 ऐसी परिभाषाएं हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब टोटल आप 4 याद कर लेना, परीक्षा में तीर मार दोगे, ठीक है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अल्फ्रेड मार्शल ने। अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है, लॉर्ड रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र समृद्धि का विज्ञान है, पॉल सैमुलसन ने। कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट नहीं? चलो फिर बच्चे, अब ये कथन की बात हो गई। देखो तुमने कहा है बेसिक से सर जी एक एक चीज पढ़ा दो जिसमें कुछ छूटे है ना, ठीक है? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो बच्चे, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बात करते हैं भाई आगे की तरफ, बहुत मजा आने वाला आज। ये मान लेना आज सब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल बिंदास जबरदस्त। चलो ले लिया, चलो आगे बच्चे। अब देखो, अब आपने कुछ पुस्तकें पढ़ी होंगी, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना भाई साहब, तुम
झकझोर हो जाओगे पढ़ने के लिए, कहोगे हाँ सर अब आइए पढ़ाई पटरी पे। कभी मोबाइल से निकलकर भाई साहब किताबों से दिल लगाकर तो देखो, प्यार ना हो जाए तो बता देना, ठीक है। लेकिन अभी तुमको वही बताऊं, रानी पद्मावती की कहानी तो समझ में आएगा, है कि नहीं। चल तो कहने का मतलब है, ये मैंने क्या लिखा, प्रमुख पुस्तकें लेखक। तुमको लग रहा होगा अरे सर वही पुस्तकें लेखक पढ़ाने जा रहे हैं, मेरे भाई सब्जेक्ट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकें लेखक, क्लियर है। तो चलो सबसे पहले पुस्तक जो आपके सामने मिलेगी उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। आप सबको पता है वेल्थ ऑफ नेशन, और वेल्थ ऑफ नेशन बच्चे किस वर्ष लिखी गई, 1776 में। किसने लिखी, एडम स्मिथ ने। ये सारी पुस्तकें जो होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, इकोनॉमिक्स से, जो परीक्षा में पूछी गई। बच्चे दूसरे नंबर पे दास कैपिटल, सुनी होगी आप सबने दास कैपिटल। बच्चे दास कैपिटल जो लिखी वो किसने लिखी, वो लिखी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने, जो कार्ल मार्क्स था वो जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का था, जर्मनी का। अब सबसे बड़ी बात आती है, कार्ल मार्क्स ने आखिरकार दास कैपिटल पुस्तक कब लिखी थी, तो गांधी जी के जन्म से 2 साल पहले। बच्चे जन्म हुआ था 1869 में, तो इसने कब लिखी होगी, 1867 में, क्लियर है। फिर बच्चे अगला, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांत, कब लिखी, 1890 में। और ये 1890 में लिखी गई, लेकिन ये किसके द्वारा लिखी गई, तो याद कर लेना अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम पड़ा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर बच्ची बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, हाउ टू पे फॉर वॉर, हाउ टू पे फॉर वॉर, युद्ध के लिए हम कैसे पेमेंट करें, 1940 में लिखी गई। और ये लिखी किसने थी, उन्होंने लिखी थी जिन्होंने आय रोजगार सिद्धांत दिया था, जिनका नाम था जॉन किनार्ड कीन्स। क्या नाम था, जॉन किनार्ड कीन्स। फिर बच्चे बहुत अच्छे से अगली पुस्तक है एशियन ड्रामा, ये सुने होंगे आप सबने एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा जो पुस्तक लिखी 1968 में लिखी गई, और ये लिखने वाले थे गुन्नार मेडल साहब। और आप सबने पढ़ा होगा गुन्नार मेडल साहब ने एक प्लान दिया था, ये जनक माने जाते, किसके जनक, याद कर लेना ये जनक माने जाते किसके, तो याद कर लेना रोलिंग प्लान के। अगर तुमसे कहा जाए रोलिंग प्लान के जनक कौन है, तो गुन्नार मेडल। रोलिंग प्लान को हिंदी में क्या कहते हैं, अनवरत योजना। जब आप पंचवर्षीय योजना पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप समझोगे, क्लियर है, क्लियर है, ये भी बात समझ में आ गई। फिर बच्चे अगली पुस्तक है जिनका नाम है पुअर इकोनॉमिक्स। क्या नाम है, पुअर इकोनॉमिक्स। और पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी गई 2011 में, और ये पुस्तक लिखने वाले लेखक का नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है, अभिजीत बनर्जी एंड एस्टर डुप्लो, एस्टर डुप्लो। बच्चे इस प्रकार आपकी मैंने 6 पुस्तकें बताई हैं जो रिलेट करती हैं किससे, इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। ये पुस्तकें आप अपने दिमाग में बसा लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भाई साहब पहली बार मिलेंगी और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगी, क्लियर है। चलो फिर बात करते हैं आगे की तरफ, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इकोनॉमिक्स का पूरा परिचय हमारा समाप्त हो गया, अब बड़ी बड़ी हेडिंग लगा दो, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। हमने कहा था ना अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ानी है, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार भाई साहब देखो, हाँ अर्थव्यवस्था के प्रकार देखो। अच्छा मेरी राइटिंग बहुत अच्छी, थैंक यू थैंक यू। तो बच्चे आप सब वीडियो को शेयर करो फटाफट फटाफट, ठीक है। चलो अर्थव्यवस्था के प्रकार देखो, अर्थव्यवस्था के बच्चे जो प्रकार हैं वो टोटल 3 प्रकार है। कितने, 3, कौन कौन से, तो जान लो। सबसे पहला जो है
वो है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। क्या होता है? मालिकाना हक। स्वामित्व के आधार का मतलब क्या होगा बच्चे? तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, सब लोगों ने सुना होगा, पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बच्चे दूसरे नंबर पे समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, अगली है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं? स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिकाना हक के आधार पर। क्लियर है? फिर बच्चे आ जाओ, अब ये तुमने पढ़ा है लेकिन इसके पहले वाला तुमने नहीं पढ़ा। यही फर्क है कि अभी तुम्हारी तैयारी जो कमजोर है, जो सिस्टमैटिक नहीं है, यही फर्क है, बस इतना समझ लेना। चलो, दूसरा आधार क्या बच्चे? दूसरा है अर्थव्यवस्था में विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, अब विकास के आधार पर जब अर्थव्यवस्था देखोगे तो तीन प्रकार से निकल के आएगी। एक विकसित अर्थव्यवस्था जिसको डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे, एक विकासशील अर्थव्यवस्था जिसको अंडर डेवलपिंग बोलेंगे, और एक अल्प विकसित जिसको अंडर डेवलप्ड बोलेंगे। तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर होगी। फिर बच्चे बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, एक तीसरा जो है, तीसरा टाइप, वैश्विक संबंध के आधार पर। वैश्विक संबंध के आधार पर, वैश्विक संबंध के आधार पर। और वैश्विक संबंध के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था, कौन कौन से? एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है भाई साहब। तो अब ये तुमको पता चल गया, ये असली चार्ट है, ये असली चार्ट है तुम्हारी अर्थव्यवस्था के प्रकार का, असली चार्ट ये है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चे? ये असली चार्ट है, इसको समझना है। अगर ये समझ गए, सारी अर्थव्यवस्थाएं तुम्हारे दिल में छप जाएंगी। चलो, एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आपको अभी तक का कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मैं चाहता हूं कि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। मैं डीप से डीप लेकर जाऊंगा, अपर से अपर लेकर जाऊंगा, और बेसिक से बेसिक लेकर जाऊंगा, जिससे कमजोर से कमजोर, तेज से तेज सारा बच्चा पढ़ेगा। ठीक है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, फटाक से बता, फटाक से भैया। चलो, बहुत बढ़िया। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश। आ गया समझ में? वेरी गुड। हाँ, लूसेंट की बुक से भाई साहब, सब लूसेंट की बुक से चलेगा। ठीक है? चलो, बहुत बड़े, मजा आ रहा। वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो, अब सबसे पहले एक एक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था हम लोग लगा लेते हैं यहां पे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं बांटी गई हैं वो तीन भागों में बांटी गई। कौन कौन सी, तो देख लेते जरा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसका नाम है पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समझना बच्चे, एक बहुत अच्छे से बात समझ लेना, मेरी बात अगर समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या सीन है? सबसे पहले इस अर्थव्यवस्था को पहला देश अपनाने वाला कौन सा था? पहला देश अपनाने वाला कौन था, पता है आपको? पहला देश अपनाने वाला था जिसका नाम है यूएसए।
यूएसए ने सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अब तुमसे कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को ही माना जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक और खोखट तैयार हो गई कि आखिरकार एडम स्मिथ कहां कहां भाई सब टहल रहे हैं। तो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे, क्या समझोगे मेरे बच्चे, समझोगे ये बात कि एडम स्मिथ को हम लोग इकोनॉमिक्स का जनक कहते हैं और एडम स्मिथ को हम लोग माइक्रो इकोनॉमी या कीमत सिद्धांत का जनक कहते हैं। अब यहां पर तुम जब पहुंचे तो तुमको पता चला पूंजीवाद एडम स्मिथ का जनक कहते हैं और सबसे पहले यूएसए ने इस देश को अपनाया। उससे अगला बात यहां पे आएगा कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो याद कर लेना इसका मेन उद्देश्य है लाभ कमाना, लाभ कमाना। बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह नियंत्रण किसका होता है, नियंत्रण होता है किसी व्यक्ति या संस्था का, किसी व्यक्ति या संस्था का पूरी तरह नियंत्रण। इस पर सरकार इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ भी नहीं कर सकती, क्लियर है, सरकार यहां पर कुछ भी नहीं कर सकती। तो बात समझना बहुत ध्यान से, जैसे आपको पता है 2016-17 की बात है जब जियो नहीं आया था तो लोग 200 रुपए का रिचार्ज कराते थे तब उनको 1 GB डाटा मिलता था, और जब 1 GB डाटा मिलता था तो भाई साहब वो लोग पूरा महीना 1 GB डाटा, जब जियो आया तो उसने फ्री डाटा दे दिया, तो भाई साहब फ्री डाटा जब दे दिया उसने तो लोगों ने क्या किया, जियो के आदि बन गए, उनके पास जो दूसरे सिम थे वो सब हटा के जियो का यूज करने लगे और बहुत सारे सिमों को उन्होंने क्या कर दिया, अदर कंपनी के सिमों को भी जियो में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है, अंबानी की, और जियो कंपनी किसकी थी, अंबानी की, मुकेश अंबानी की थी। मुकेश अंबानी ने फिर धीरे से देखा कि अब हमारे पास कस्टमर बहुत सारे हो गए, ठीक, क्योंकि भाई साहब पूरी तरह नियंत्रण किसका था, एक व्यक्ति का, मतलब संस्था जियो का। उन्होंने क्या किया, पहले रिचार्ज चालू किया 49 रुपये का, जब 49 रुपये का रिचार्ज कराया तो लोगों ने सोचा अरे क्या बात है यार 49 रुपये तो है, आज तक का बंदे ने 1 साल तक का फ्री डाटा यूज करवाया, अब तो 49 रुपये ले रहा, तो 49 रुपये हम दे नहीं सकते, वो भी 49 रुपये में डेली 1 GB 1 महीने तक का, तो तुमको लगा अरे 49 क्या होता है यार, 2 बर्गर खाते 49 खत्म हो जाता है कि नहीं, 49 खत्म हो जाता, तो भाई साहब 49 हम लोग देने लगे। लेकिन देखते देखते आज देखते गए तो सबसे महंगा रिचार्ज जियो कंपनी का हो गया, जियो कंपनी का हो गया। इसका यह तात्पर्य निकलता है कि जियो कंपनी पर अगर सरकारी नियंत्रण होता तो इतना महंगा ना होता, विरोध हो जाता, लेकिन किसी एक प्राइवेट आदमी का था तो भाई साहब देखते देखते वो पूरी तरह नियंत्रण किसके हो गई, एक व्यक्ति एक संस्था के नियंत्रण में। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजारी अर्थव्यवस्था कहते हैं, बाजारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाजारी अर्थव्यवस्था इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाजार तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में, तुम उसके मूल्य का निर्धारण खुद कर सकते हो। अगर तुमने इस बोतल को बनाया, इस बोतल को तुमने बनाया, पानी भर दिया, भाई साहब तुम्हारी मर्जी है कि इसका पानी तुम 20 रुपए का बेचोगे कि 20 लाख का बेचोगे, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये बोतल तुम्हारा मालिकाना हक है, पानी तुम्हारा मालिकाना हक है, ठीक है, तो समझ गए, समझ गए। ये होती है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग कहते हैं बाजारी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद। समझ में आ गया, अब आगे आओ, जब आगे आओगे तो यहां पे अगली सब अर्थव्यवस्था मिलेगी जिसका नाम है समाजवादी। तो अंबानी ने यह नहीं सोचा कि अब लोगों को भाई साहब दर्द हो रहा, कि कष्ट हो रहा, उनका सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक कॉन्सेप्ट चला, लाभ कमाना, सिर्फ एक एम, लाभ कमाना। मुझे इससे मतलब परवाह नहीं है कि लोग पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, जो बेचारे गरीब भी थे अपने पुराने सिम को कन्वर्ट करवा दिए इसमें, तो पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे मुझे इससे मतलब नहीं, उनका भाई साहब सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे,
लाभ कमाने से, इसीलिए ये है पूंजीवादी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए में सबसे पहले अपनाई गई। अब इससे यहां पे तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ रही है कि आखिरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पे चलती है वो ज्यादातर देश विकसित होंगे। कैसे होंगे? विकसित होंगे। क्लियर है? अब आ जाओ समाजवादी। क्या हो गए? समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेना, इनका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था, सार्वजनिक कल्याण। सार्वजनिक कल्याण। और आपको पता है किसी गरीब का सार्वजनिक कल्याण तभी हो सकता है जब उसकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो। भाई साहब, मूलभूत आवश्यकताएं जो पूरी हो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो भाई साहब तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन दो मूलभूत आवश्यकताएं और बढ़ गई हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब तुम देखते होगे कोई भी व्यक्ति बीमार हो, अगर सरकार ने सरकारी अस्पताल ना बनवाए होते तो भाई साहब प्राइवेट में तुम्हारी औकात नहीं थी तुम अपना इलाज करवा पाओ। ठीक है, जो व्यक्ति गरीब है, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसीलिए अच्छी है क्योंकि क्योंकि बच्चे एक सरकारी अस्पताल में जाओगे, चाहे तुम मिडिल क्लास फैमिली, चाहे लोअर क्लास फैमिली, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन, चाहे अपर क्लास, चाहे अपर हाई अपर, चाहे रिच, चाहे एफ्लुएंट, चाहे जो हो, नथिंग मैटर, कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ और सिर्फ इतना करता है कि वहां पर अस्पताल में आपको सिर्फ एक रुपया देना पड़ेगा भाई साहब पर्चा बनवाने के लिए, बस सिर्फ एक रुपया, और एक रुपये में हर आदमी इलाज करवा के चला आएगा। ठीक, यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था पहला देश अपनाने वाला कौन सा था? तो याद कर लेना, उसका नाम था रूस, जिसको हम लोग यूएसएसआर कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, समाजवादी को हम लोग साम्यवादी भी कहते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था हम लोग इसको कहां पे बोलते हैं बच्चे? चाइना में। कहां बोलते हैं? चाइना में। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? फिर बच्चे मेरी बात समझना, जिस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एडम स्मिथ ने दिया था, उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक अगर तुमसे कहा जाए तो याद कर लेना, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स साहब थे। कार्ल मार्क्स साहब थे, और कार्ल मार्क्स साहब जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे। आ रहा मजा? चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर जी, मैंने आपकी लूसेंट क्लास ली, मैंने इतनी क्लास जितनी क्लास ली है सर, बहुत ही अच्छे से सब याद हो जाता है सर जी। थैंक यू सो मच सर, आप बेस्ट लूसेंट के टीचर हो, मैंने आपकी क्लास, थैंक यू। चलो, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, इसमें कोई व्यक्ति या संस्था आकर मूल्य नहीं डिसाइड करेगी, इसमें जो मूल्य डिसाइड करेगी वो होगी गवर्नमेंट। इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग गैर बाजारी अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? गैर बाजारी अर्थव्यवस्था कहेंगे इसको। उम्मीद करते बच्चे तुम्हारी रगों तक का ये चीज पहुंच रही होगी जो आज तक नहीं पहुंची। अब देखना, लास्ट की जो अर्थव्यवस्था बच्चे याद कर लेना, उसका नाम है मिश्रित, जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित का मतलब समझ लेना बच्चे, मिश्रित का मतलब यह कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें थोड़ा इसका भी रूप देखने को मिले, थोड़ा इसका भी रूप देखने को मिले, वही कहला जाएगी मिश्रित। क्या कहलाई जाएगी? मिश्रित। आ रही बात समझ में बच्चे? वेरी गुड। चल, अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? उस देश का नाम था फ्रांस। क्या नाम था? फ्रांस। दूसरी बात, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है?
भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, क्योंकि भैया भारत तो इतना अमीर अब है ही नहीं ना कि वो पूरा पैसा लगा ले, और ना इतना पैसा है कि सारी व्यवस्थाएं वो फ्री में करवा दें, समझ रहे हो, इतना पैसा नहीं कि लोग भाई साहब सारी सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड करवा दें, या इतना पैसा नहीं कि सारी सुविधाएं फ्री में करवा दें, इसीलिए आधा अधूरा मिला जुला रूप चलना, जिसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगर तुमसे मेरे बच्चे कहा जाए कि जिसे इसके जनक कौन है, एडम स्मिथ, इसके जनक कौन है, कार्ल मार्क्स, इसके जनक कौन है, तो याद कर लेना इसके जनक है जॉन किनार्ड कीन्स। जॉन किनार्ड कीन्स ये किसके जनक है, इसके, ठीक है, आ रही बात समझ में बच्चे। तो ये बात हो गई भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्लियर है। अब बच्चे ये भी हमने समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, अब आ जाओ विकास के आधार पर। विकास के आधार पर चीजें समझ लेना तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था ले लो, विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब मानव संसाधन चीजें अच्छी है, मानव संसाधन चीजें मतलब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो लोगों को सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी, तो भाई साहब समझ रहे हो, तो कहने का मतलब है शिक्षा स्वास्थ्य, कहने का मतलब है बच्चे कि मानव संसाधन, जहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य आसानी से मिल जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकसित, जहां पे रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता, दर दर ठोकने नहीं खानी पड़ती। अब इंडिया में देखो एक वैकेंसी निकाल दें भाई साहब उसके लिए संघर्ष करते रहो, तो विकसित अर्थव्यवस्था तुमको देखने को मिलती है, उसका नाम है यूएसए, ठीक है, गामा, कनाडा, कामा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, विकासशील अर्थव्यवस्था जहां पे मानव संसाधन के लिए अभी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लड़ाई वो है विकासशील, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, और हमेशा लड़ते रहेंगे क्योंकि भाई साहब अपने यहां नेता अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं जो, ठीक है। फिर बच्चे अल्प विकसित, अल्प विकसित जहां पर मतलब लोग अत्यंत निर्धन रहते हो, जहां पर रोटी के लिए लाले पड़े हो, तुम लोग खुश नसीब हो, जो भाई साहब तुम्हारे पास मोबाइल है पढ़ रहे हो, उनसे पूछो जाके जिनके पास मोबाइल तक नहीं है और पढ़ने की भाई साहब उनको पता नहीं है, मतलब रोटी के लाले पड़े हैं, रोटी नहीं मिल पा रही है, उनसे पूछो जाके, वो अल्प विकसित है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में चले जाओ, रवांडा, युगांडा, सूडान, ये सारे इसी के अंतर्गत आएंगे, क्लियर है। अब आ जाओ खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता, वैश्विक संबंध, यहां पे बताते हैं तुमको अच्छे से, वैश्विक सम, अब तुमसे कहा जाए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है और विकास के आधार पर विकासशील है, क्लियर है। अब यहां पर देखो वैश्विक संबंध के आधार पर, वैश्विक संबंध के आधार पर, क्लियर है। इसका मतलब क्या बालक, बहुत ध्यान से, हमने क्या बताया था, दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, कौन कौन सी, ओपन इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था, और एक कौन सी, बंद अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, दो प्रकार की अर्थव्यवस्था यहां पे हमको देखने को मिलती है, ओपन एंड क्लोज्ड। अब एक बात बताओ, पड़ोस है, ये पड़ोस है, पड़ोस में भाई साहब दो घर हैं, एक ए है एक बी है, अब रात में 11 बजे ए के घर में मान लो खाना बन रहा हो और अचानक से गैस खत्म हो जाए, अचानक से गैस खत्म हो जाए, तो भाई साहब ए के घर वाले जाएंगे किसके यहाँ, बी के घर में, कहेंगे भैया सिलेंडर थोड़ी देर के लिए दे दो, गैस खत्म हुई गई, रोटी पकती आई, मुन्नु के पापा के लिए बच्ची हैं रोटी बनाओ एक, बस उनकी बन जावे, बस उसके बाद सिलेंडर वापस के दे बे,
ये है तो कहीं है वो जाइए हैं। अरे दीदी ले जाओ ले जाओ ले जाओ सिलेंडर ले जाओ, भैया बी वाला अपना सिलेंडर खुशी खुशी ए को दे देगा, एक ही घर की रोटियां बन जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये आखिरकार गैस बी ने ए को क्यों दी, क्योंकि भाई साहब पड़ोस के संबंध आपस में अच्छे हैं, पड़ोस के संबंध आपस में अच्छे हैं। लेकिन अचानक से मान लो हम पड़ोसी दोनों बीच में का हो मन मुटाओ लड़ाई हो, सिलेंडर ले आओ ले चैलाई से खड़े आओ आओ सिलेंडर ले, लड़ाई मतलब दोनों के बीच में क्या है सिलेंडर नहीं मिलेगा, काम खत्म, काहे पीछे लड़ाई है। तो कहने का मतलब है कि संबंध आपस में अच्छे होंगे तो चीजें आएंगी चली जाएंगी, मतलब तुम हम ते ले हम तुम ते ले ठीक, लेकिन लेकिन संबंध अच्छे नहीं होंगे तो चैला ले खड़े आओ, तुम आओ तो केवल भटको तुमको उठा पटक न दे मार दे खूने बहे लगी आज, ऐसे गांव वाला थे का। अब यहीं पर बात समझ लो बच्चे, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, इसका मतलब यही है। किस आधार पे, वैश्विक संबंध, इसका मतलब है कि विश्व के कोई भी दो देश ले लो या दो से अधिक देश ले लो, अगर आपस में संबंध अच्छे हैं तो हमारे यहां जो चीज उपज हो रही आप ले लो, तुम्हारे यहां कोई चीज उपज हो रही वो हमको दे दो, मतलब जब हमारे और तुम्हारे बीच आपस में क्या होगा संबंध अच्छे होंगे, क्लियर है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, बड़े प्रेम भाव से आयात निर्यात होता रहता है, तुम हमारे यहां की चीज लो हम तुम्हारे यहां की चीज लें, पूरा का पूरा मामला क्लियर है, क्लियर है। अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना, इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं खुली वाली हमको देखने को कहां मिलती हैं, जैसे हांगकांग ले लो ठीक, जैसे सिंगापुर ले लो। अच्छा तुमसे कहा जाए हांगकांग की राजधानी क्या है, हांगकांग सिटी, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, क्लियर है। अब बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना, बंद अर्थव्यवस्था समझ गई हो, जब भाई साहब बंद अर्थव्यवस्था का मतलब तनी तनावा, तनी तनावा, कहने का मतलब है कि भाई साहब सबसे बड़ी बात मैं तुमको बता दूं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, जिम योंग किम, ठीक, आयात निर्यात, आयात निर्यात पूरी तरह बंद। भैया नॉर्थ कोरिया का एक शासक है जिसका नाम है जिम योंग किम, वो कहता है कि हमारे घर में जोन पैदा हुआ वही मा यूज करे को करो, अन्यथा न हमते लेहो न हम तक देव, साफ साफ कहता है कौन, नॉर्थ कोरिया। तो कहने का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाहरी पूरे साधन पूरी तरह से बंद हो, ठीक है, क्लियर है। तो कहने का मतलब है बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर आयात निर्यात में क्या हो पूरी तरह बंद हो, कोई आदान प्रदान ना हो, जैसे नॉर्थ कोरिया, क्लियर है। तो इस प्रकार आपको अर्थव्यवस्था के सारे प्रकार दिमाग में बस गए होंगे। अब एक बार कमेंट करके बताओ क्या आप सबको अर्थव्यवस्था के प्रकार तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल समा गए कि नहीं समा गए, जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ फटाक से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर आपका मतलब कौन सा कोर्स लें जिससे पूरी जीएस कंप्लीट कर लें। बच्चे मैंने फिर से बताया लूसेंट त्रिशूल बैच 2.0 जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, और ये जो प्राइस आपको 1999 दिख रहा कूपन कोड आप यूज कर लो RAM20। पहले तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव,
सबके मोबाइल में हमारा एप्लीकेशन होना चाहिए, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये ऐप डाउनलोड करो और किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो। क्लियर है? तो साथी इतनी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। वंडरफुल सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? शाबाश जी सर, बहुत अच्छी तरह से सब क्लियर हो गया, शाबाश, क्षमा गए सर। चलो क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अमेजिंग टीचिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चे, आप सबका प्यार सपोर्ट। चलो आगे बच्चे, बहुत ध्यान से बात समझते हैं। लास्ट टॉपिक जो बचा है वो भी समझ लो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जहां से परीक्षा में एक बार नहीं हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न। बच्चे अर्थव्यवस्था के टोटल तीन क्षेत्र हैं, कौन कौन से तो ध्यान दीजिएगा, तीन क्षेत्र टोटल, प्राथमिक, द्वितीयक, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, तीन क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। क्लियर है बालक? बहुत ध्यान समझिएगा, इन क्षेत्र को आखिरकार हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं? ठीक है, हम इन क्षेत्र को कैसे डिसाइड करते हैं तो बहुत ध्यान समझिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंध, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंध किसका, ठीक है, तो वो होंगे प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात समझ लेना, एग्जाम्पल से इसका एग्जाम्पल जो बनेगा। अब एक बात बताओ, कृषि, कृषि भाई साहब क्या तुमने बनाई है? नहीं, हम जब पैदा हुए थे तो भगवान ने मुझे प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में दे दी थी, तो ये किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन, भाई साहब पशुओं को पालने का काम तो करने लगे हो तुम, लेकिन पशु तुमने नहीं पैदा किए, समझ रहे हो, वो भगवान ने खुद ही पृथ्वी पर हमको भेज दिए थे, ठीक है। मत्स्य पालन, मछलियों को तुमने नहीं बनाया, मछली खुद हमको मिल गई, हम पकड़ पकड़ इनको बेचने लगे और खाने लगे। फिर आगे देखो, तो ये सारी चीजें जिनका संबंध प्रकृति से डायरेक्ट हो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे खनन, खनन का मतलब होता माइनिंग। अब एक बात बताओ, गंगा नदी किनारे जाओगे, चाहे जितनी बालू निकाल लो, चाहे जितनी सीमेंट निकाल वो निकाल लो, क्या नाम है, चाहे जितनी बालू निकाल लो और भाई साहब चाहे जितनी मोरंग निकाल लो, वो खनन होता है। क्लियर है? अब बच्चे यहीं पे बहुत अच्छे से अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें हो गई प्राकृतिक। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, मतलब इसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अब आ जाओ द्वितीयक में, द्वितीयक में जो चीज आएगी उस वो होगा उद्योग, ठीक। इसका मतलब ये है, द्वितीयक का मतलब क्या है कि प्राथमिक में जो चीज हमको प्राप्त होती है, प्राथमिक में जो चीज हमें प्राप्त होती है उसका हम लोग कच्चे माल रॉ मटेरियल की तरह यूज करके अगर
अब वॉइस क्लियर है? नो डाउट, वेरी गुड, शाबाश। फिर बच्चे, अब जैसे तुमने कृषि से गन्ना निकाला, और कृषि से जब तुमने गन्ना निकाला गन्ना, तो गन्ने को ले जाओगे भाई साहब फैक्ट्री में, जहां पे मतलब जिसको कहते हैं चीनी मिल, शुगर मिल, वहां पे जाके भाई साहब गन्ने को पेर देते हो। और जब गन्ने को पेर देते हो भाई साहब, वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? शक्कर। तो एक बात बताओ, गन्ना तुमने कहां से लाए थे? गन्ना तुम कहां से लाए थे बताओ? गन्ना कहां से लाए? किसानी करके, खेती करके, और ले गए इंडस्ट्री में, जहां पे उसको पेर दिए तुम, पेरने के बाद वो बन गया शक्कर। भाई साहब वो कहां पे पेरा तुमने? उद्योग, मतलब उसका विनिर्माण कर दिया। अब जैसे भवन की बात कर लो, भवन, अब एक बात बताओ, जब तुम लोग प्रकृति से मोरंग बालू लाओगे, तभी तो जब मोरंग बालू से सारी चीजें बनाओगे, मिट्टी उट्टी से, ईंटा वीटा, तभी तो भाई साहब बनेगा, विनिर्माण करोगे, तभी तो एक बिल्डिंग बनेगी, भवन, वरना पॉसिबल कहाँ है? है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, क्लियर है। अब जैसे तुमसे बात मैं कर लेता हूं, ब्रेड, ब्रेड, कपड़ा, ये सब किस में आएंगे? द्वितीयक में। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब आप यहां से खेती से कपास मतलब काटन लाओगे, तब यहां पे जब बनाओगे उद्योग में, तब जाके वो कॉटन क्लॉथ्स बनेंगे, कॉटन क्लॉथ्स बनेंगे। आवाज आ रही है मेरे लाल? अब तो झूठ मत बोलो, अभी भी झूठ बोल रहे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बच्चे? हैं, अब तो आवाज आ रही, चक्का चक्का रही, बिल्कुल झक्कास आ रही है, नहीं आ रही है अभी भी आवाज? चलो वेरी गुड। इसीलिए हम लोग द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो द्वितीयक क्षेत्र भी समझ में आ गया, क्लियर है। अब जैसे तुमसे कहते इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, वो भाई साहब किस में आएगा? वो भी तो द्वितीयक में आएगा। सिंपल सी बात है, विद्युत ऐसे ही थोड़े बन जाती है। आप पहले पानी लाओगे, पानी किस में है? प्रकृति में। पानी लाओगे भाई साहब, पानी बांध बनाकर बिजली पैदा कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, वेरी गुड। अब आ जाओ तृतीयक में। जब तृतीयक में तुम कूदोगे, तो भाई साहब बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसको हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। अब एक चीज बता दें, ये ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें सेवा दी जाएगी, मतलब चीजें तुम्हें दिखाई नहीं देंगी, महसूस होंगी, फील फील फील, ठीक है। जैसे भाई साहब तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र, मतलब बात समझना बहुत ध्यान से, जैसे तुमसे कहते चिकित्सा, अब भाई साहब डॉक्टर के पास जाओगे, क्या डॉक्टर तुमको कोई भी चीज, जैसे तुमसे पैसा ले लिया, डॉक्टर ने ले लिया पैसा, उसने 500 रुपया क्यों लिया? क्यों लिया भाई साहब? इसलिए लिया, इसलिए लिया क्योंकि उसने बताया कि तुम ये दवा खाओ जाके, ये करो जाके, मतलब उसने अपनी सेवा दी, इसीलिए वो आएगा तृतीयक क्षेत्र में, क्लियर है। फिर बच्चे बैंकिंग, तुम बैंक जाओ और पैसा कैशियर से ले लो, तो वो सेवा दे रहा है। बीमा, एटीएम, एटीएम से पैसा निकाल लो, एटीएम आपको सेवा प्रदान कर रहा। कॉल सेंटर, हमारा सिम नहीं चल रहा, हमारे यहाँ ये हो गया, वो हो गया, भाई साहब ये सब सेवा दे रहे, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब सुन लो, अगर तुमसे कहा जाए भारत को सबसे ज्यादा जीडीपी किससे प्राप्त होती है, तो याद कर लेना, सबसे ज्यादा जीडीपी तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा जीडीपी किस क्षेत्र से प्राप्त होती? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, क्लियर है? क्लियर हो गई बात? अब बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं? निम्न से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं शामिल है? नहीं शामिल है, ठीक है, नहीं शामिल है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलो, पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा
वानिकी, तीसरा मत्स्य पालन और चौथा यातायात। बताओ बता मेरे लाल, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। भाई साहब वो चीजें सिखा दूंगा जो तुम अभी तुम भटक रहे हो, पूरा यूट्यूब छान मारोगे जब तुमको इस तरह का कॉन्सर्ट मिले तो बताइएगा कि हमको कि राघव सर आपने झूठ बोला था। ठीक है सर, शिक्षा किसमें शामिल है बच्चे? सिंपल सी बात है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, सेवा दे रहा हूं, तो सिंपल सी बात तृतीयक में। ठीक है क्या बात है, मेरे शेर जान गए तुम सब। हाँ सब लोगों ने कह दिया सर जी यातायात शाबाश, आई लव यू यार, गुड यातायात। क्योंकि यातायात में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है तो सेवा दी जाती है, मतलब ये क्या है तृतीय क्षेत्र है, क्या है तृतीय क्षेत्र है, क्लियर है, वेरी गुड सब व्यू। मुझे लग रहा है आ गया तुम्हें, है ना। अब अगर बच्चे यहीं पे तुमसे सवाल कह देता, निम्न में निम्न से कौन तृतीय क्षेत्र में है शामिल है, बताओ। अब बताओ, अब सवाल बदल गया तुम्हारा, बताओ। अच्छा सेकंड स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है धीरज जी, चलो अभी लिवा रहे, वेरी गुड, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, शाबाश बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी 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 डी, वेरी गुड, लव यू, सबका सही है यातायात। सवाल का आंसर वही है, सिर्फ मैंने लैंग्वेज चेंज की। क्या किया मैंने, लैंग्वेज चेंज की, मतलब निम्न में से कौन तृतीयक में है तो वही यातायात। तो उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों को, मेरे सभी बालकों को आज का पूरा पहला चैप्टर बिल्कुल दिमाग में समझ में आ गया होगा। और बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि आज की इकोनॉमिक्स की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज रिव्यू दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। और जितने बच्चे हमसे सच में प्यार करते हैं तो आप सब जरूर कमेंट दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार YouTube पर इकोनॉमिक्स आप सबको पढ़ाने आया हूं, वो भी लूसेंट की। ठीक है, अगर आप सबके कमेंट बहुत होंगे, और हाँ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और अपने साथियों से बताना कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़नी है लो पढ़ लो राघव सर से, अगर तुम्हें समझ में आई हो तो शेयर करना वरना रोक देना वहीं पर। ठीक है चलो कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी, और जिस बच्चे को मैं बता रहा हूं जिसको अगर स्पेशली इकोनॉमिक्स पूरी पढ़नी हो तो हमारा इकोनॉमिक्स का भी कोर्स है जो 499 का है, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में पूरा का पूरा विद प्रैक्टिस, एक एक चैप्टर की विद प्रैक्टिस किसमें है भाई साहब, इस अर्थव्यवस्था में, मतलब एनसीईआरटी पूरी मैंने कवर की, ये हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स अकेडमी उन्नाव, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और बच्चे आपको मैं बता दूं कूपन कोड आपको यूज कर लेना है इकोनॉमिक्स, तो आपका 499 से 250 बन जाएगा इस एप्लीकेशन पे। ठीक है, और जिस बच्चे को पूरा का पूरा बैच लूसेंट त्रिशूल बैच 2.0 लेना है वो RAM20 यूज करे, और इसमें इकोनॉमिक्स पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ है विद क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते साथी आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आ गया होगा। और साथी मैं बता दूं इसकी पीडीएफ जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, ठीक है कितने व्यक्ति पीडीएफ इसकी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं इसकी जो मैं पीडीएफ अभी अवेलेबल करवा दूंगा वो कहां पर दूंगा, तो याद कर लेना हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, इस एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। कहां पर पीडीएफ अवेलेबल होगी, फिनिक्स अकेडमी उन्नाव के फ्री कोर्सेज में, फ्री कोर्सेज में आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी बच्चे। ठीक है, फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, और आप कमेंट करके जो बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं आया। ठीक है साथियों, अभी नहीं, जब आप क्लास ओवर हो जाए
कट जाए कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। सब लोग अपना लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको कल शाम 7 बजे। ध्यान रखिएगा, कितने बजे आना है? शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।